फ्रेम अदरवाइज इसका सेम लोडर वाला है, 125 सीसी और 100 सीसी वाला लोडर वाला फ्रेम है। अदरवाइज सारी चीज़ें वही लगी हुई हैं इसमें, कमाने भी वही लगी हुई हैं। टायर इसके ये अभी छोटे लगे हुए हैं, जैसे ये डिमांड किसी ने की है छोटे की, अक्सर इसको ज़्यादातर 512 का बड़े वाला टायर लगता है, बड़े रिम वाला टायर लगता है। क्राउन मोटरसाइकिल कंपनी ने अदरवाइज इसका फ्रेम जो है वो लोडर वाला ही यूज़ किया हुआ है और वही रिवर्स गियर में और पावर गियर के साथ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज फिर मैं क्राउन मोटरसाइकिल कंपनी मौजूद हूँ। क्राउन मोटरसाइकिल कंपनी का एक और मॉडल जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है मार्केट में, पिछली वीडियो हम लोगों ने बनाया था 125 सीसी जो हुड के साथ था, ये सेम 100 सीसी है लेकिन इसका हुड नहीं है बैक पे, ये फट्टा लॉन्च कर दिया है मार्केट में। आप लोग बनवाते हैं मार्केट में आपकी पसंद का फट्टा जो फ्रेम वो एंगल के साथ बनता है लेकिन वो बदा नहीं आता, एंगल क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। साथ मौजूद है मियां करम भाई साहब। जी सर, इसके बारे में आप डिटेल से बताएं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 125 मुतारफ करवाया था, उसके बारे में आप लोगों ने बताया था कि वो हुड वाला था और ये फट्टे का आपको हर गियर के अंदर आप लेके फट्टा बनाते हैं ना, उसके अंदर सबसे पहले रिवर्स गियर नहीं लगता। ठीक है, रिवर्स गियर नहीं होता, ठीक। इसके अंदर हमने रिवर्स गियर लगाया ताकि इसके ऊपर लोड हो और ड्राइवर को आगे पीछे करना पड़े तो ताकि वो उसे जोर ना लगाना पड़े, जैसे अक्सर आगे से ऊपर उठ जाता है, जरा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, गियर लगाने की जरूरत है और ये रिवर्स हो जाएगा। और इसके अंदर ट्रूथ क्या है, इसके अंदर हमने शाफ्ट लगाई है, ताकि वो होती नहीं है। जो चैन ग्राइंडर डालते हैं कभी चैन टूट गई, कभी लाग निकल गया, कभी उसकी गाड़ी के बोल्ट खोल गए, तो इस तरह की प्रॉब्लम वगैरह होती हैं। तो यानी कि इसके लिए हमने इसको शाफ्ट लगा दी है, ताकि लेफ्ट हैंड चले बड़े फ्रेम के साथ, वही पायदारी, वही जो 100 सीसी का पायदारी, वही इसके अंदर फट्टे के अंदर हमने कर दिया है ताकि वो बार बार गरीब इंसान को खर्चा करना ना पड़े। ये शुरू से लेके जैसे लोडर का होता है, पावर वाला लोडर होता है, डंपर होता है, उसका फ्रेम लगा दिया गया है और ये कस्टमर की रिक्वायर्ड के ऊपर इन्होंने बनाया है। जी सर, मजीद इसके अंदर आपने जो मार्केट से अंदर लेते हैं ना, उसके अंदर आपको चैन ग्राइंडर लगा के देते हैं। हाँ जी, लेकिन हमने इसके अंदर शाफ्ट लगाई है ताकि गरीब इंसान जो एक दफा लेता है ना, ना के बार बार वो इसके अंदर मेंटेनेंस वगैरह करवाता रहे, कभी टायर डलवा लिया, कभी चैन ग्राइंडर डलवा लिया, इसको हमने लेफ्ट टाइम के लिए शाफ्ट डलवा दिया, इसके अंदर डाल दी हुई। फ्रेम भी इसका डबल लग रहा है, फ्रेम भी इसका डबल है। ये देखें, अगर आपका चलाइए देखें, अगर आपका कैमरा मैन आपको दिखा सके तो टोटल फ्रेम डबल है, जैसे 100 सीसी का आपने देखा हुआ ऑलरेडी। ये इंजन आपके सामने नज़र आ रहा है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने दिखाया था आप लोगों को कार्बोरेटर, वो बड़े वाला था, ठीक है। इसमें फट्टे में वही 100 सीसी कार्बोरेटर होता है जो सेम होता है, इंटेक पैप भी थोड़ा डिफरेंट है आपके सामने, इंजन इसका वही है, ठीक है। ये फट्टे में हम लोगों ने सादा जो बना दिया है, कंपनी ने सादा बना दिया है, अदरवाइज ये सेल्फ स्टार्ट भी होता है। आप लोगों ने लोडर देखे होंगे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने दिखाया था सेल्फ स्टार्ट आपको दिखाया था, जैसे कस्टमर की रिक्वायर्ड होती है, जैसे कस्टमर चाहता है वैसी चीज़ ये क्राउन मोटरसाइकिल कंपनी बना के देती है, ठीक है। अभी आप फ्यूल टैंक की बात करें, फ्यूल टैंक आपके सामने है, सेम वही फ्रंट पोर्शन वाला फ्यूल टैंक आपके सामने नज़र आ रहा है। मीटर की बात की जाए तो मीटर आपके सामने ये बड़े वाला मीटर लगा दिया है, इंडिकेटर सेम वही 70 सीसी 70 सीसी बाइक में जो होते हैं, फेंडर वो बड़े वाला फेंडर लगा दिया और हब भी इसकी आप देख सकते हैं, हब भी आप देख सकते हैं बड़े वाली हब लगाई हुई है और तारें भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मोटी लगाई हुई हैं और शॉक्स भी इसको हैवी ड्यूटी शॉक लगाए हुए हैं, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं, आप लाइट आपको नज़र आ रही है स्टैनले की, ओरिजिनल लाइट लगी हुई है स्टैनले की, जो लोकल इसमें कोई चीज़ नहीं लगाई हुई। और इस तरफ आप आ जाए, आप देख सकते हैं कि इसमें बड़े वाली किक लगाई हुई है, ये क्लच कवर इसका है, ये भी बड़े वाला लगाया है, ठीक है। और ये हैंड ब्रेक इसे कहते हैं, पार्किंग ब्रेक भी इसे कहा जाता है, पार्किंग के दौरान लोडिंग के दौरान आप लोग इसे हैंड ब्रेक कर सकते हैं और गाड़ी बिल्कुल ही जैसे बड़ी गाड़ी जाम हो जाती है वैसे ये जाम हो जाती है।
ठीक है, आपने इसे नीचे करके फिर आपने स्टार्ट करना है। मार्केट के अंदर आप जो गाड़ियाँ वगैरह फटा वगैरह बनाते हैं ना, उसके अंदर लाइट्स वो हमें कम मिलती है आपको देखने में, लेकिन हमने ये हर चीज़ की पायदारी की है। इंडिकेटर है, रिवर्स गियर के साथ है, और ब्रेक के अंदर है, और बैक मोनोग्राम है, चेक कर सकते हैं आप। बहुत जल्द आपको नेक्स्ट मॉडल न्यू मॉडल के लिए मजीद आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर उसका भी आपको जी। तो दोस्तों मेरे साथ मौजूद थे मियां इकराम बारी, जो कि मॉडल्स के ऊपर बता रहे थे। ये क्राउन मर्सल कंपनी का एक शाहकार आपके सामने खड़ा कर दिया है। मार्केट से बिल्कुल ही डिफरेंट है, कंपनी कंपनी होती है, आप लोगों को पता होगा, आप समझदार हैं। मार्केट मार्केट होती है, मार्केट में जुगाड़ी काम होता है, एक टेम्परेरी काम होता है, एक जुगाड़ी काम होता है, और एक तुक्के पे काम होता है। कंपनी जो भी चीज़ बनाती है वो एक सोच समझ के एक बिल्कुल ही क्वालिटी के ऊपर एक चीज़ बनाती है, और वो आप लोगों के सामने नज़र आ रही है। तो ये फट्टा लोडर है, ये कस्टमर की रिक्वायर्ड के ऊपर बड़े व्हील में भी दस्तयाब है और छोटे व्हील में भी दस्तयाब है। जैसे आपको यूज़ करना हो, जैसे लोडिंग के हिसाब से आप लोगों को लेना हो, तो वो क्राउन मोटरसाइकिल कंपनी भी बना रही है फट्टे। अदरवाइज लोडर भी काफ़ी ज़्यादा मॉडल है यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मॉडल्स जितने भी हैं लोडर के वो भी तारफ करवाएंगे, और बाइक की बात कीजिए, बाइक के भी काफ़ी सारे मॉडल हैं, वो भी आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, वस्सलाम।